बरेली के थाना बहादुरी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसकी शादी 7 साल पहले हुई थी। इसके बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते हैं। उसका पति ट्रक ड्राइवर है। महिला का आरोप है कि उसका पति बिहार और बाहर के राज्यों से लड़कियां खरीद कर बेचता है। साथ ही उसका पति उसे भी गलत काम करने के लिए उस पर दबाव बनाता है। महिला ने थाना बहादुरी में शिकायत की थी, जहाँ NCR दर्ज हो चुकी है। महिला ने SSP कार्यालय पहुँचकर मामले में शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। SSP साहब से मिलने आई हैं पर मेरा मामला ये है कि मैंने मुकदमा भी डाला था, खर्चे का खर्चा नहीं दे रहा। मेरा आदमी आरिफ उसका नाम है और वो ड्राइवर है, लड़की लाकर बेचते हैं बिहार बंगाल से। और फिर बड़ा ससुराल है मेरी, मेरी सास ने 3 आदमी कर लिए, चौथा आदमी उनका बिचौलिया विक्रम है जिसने मेरी शादी कराई है। वो वहीं रहता है 22 साल से। वो मेरे आदमी को चढ़ा सिखाते हैं, मुझे मारते तोड़ते धमकाते हैं और गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मेरे पास सारे सबूत है और बिचौलिया विक्रम की भी है और मेरे आदमी की भी रिकॉर्डिंग है। और क्या बोले, मुझे पैसे उसे नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं उसे। क्या आपको छोड़ने चक्कर में क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझे ना रखना कह रहा है ना छोड़ना कह रहा है, मुझे हिलगा के पड़े। तो क्या आपसे भी गलत काम करने का पैसा बनाते हैं? मुझे गलत काम के लिए राजी करते हैं। मैं गलत काम के लिए राजी नहीं हुई तो मुझे घर से निकाल दिया। और मेरी जो सबसे छोटी वाली देवरानी है जिसका नाम मंतसा है, उसको भी छोड़ दिया। उन लोगों ने तलाक करवा दी उसकी, 6 महीने हो गए उसके तलाक हुए भी। क्या करते हैं पति आपके? मेरे पति ड्राइवर हैं, ट्रक चलाते हैं, बाहर की गाड़ी चलाते हैं, वहीं से बिहार बंगाल से लौंडिया लाते हैं। महिला को ला करके बेचते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से? हाँ, पहले खुद इस्तेमाल करते हैं फिर बेचते हैं किसी और के हाथ में, 30,000-35,000 जैसा ग्राहक तय हो जाए। मेरे सामने 3 आ चुकी हैं और बकाया 8 महीने मुझे अपने घर होगा, पता नहीं कितनी ला चुकी। शादी को आपका लाने के बाद क्या घर पे रखते हैं, कहीं बाहर रखते हैं, कहाँ? नहीं, एक दिन तो मेरे सामने घर पे ही रखते हैं, फिर उसके दूसरे दिन वो बेच देते हैं उसको घर बुलाकर, जिसके जिससे बात तय होती है। आपने विरोध नहीं करा उसको? नहीं नहीं, मैं मेरे पास ना फोन था बड़ा ना छोटा फोन था कोई नहीं। तो आपने पति से विरोध नहीं करा कि आप क्यों लाते हैं महिलाओं के लिए? काफी लड़ाई हुई इस बात को लेकर मेरी, तो वो मुझे घर से निकाल देते हैं। मेरे बाप और मेरा भैया छोटा है, मेरे बाप बेचारे गरीब है, वो मुझे कब तक भरेंगे? जब से मेरी शादी हुई ज्यादातर वो मुझे भरते ही चले आए। मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बेटी इन लोगों ने मेरी मार दी, बीच वाली। मेरा ये पहला वाला लड़का है, मेरे पलूटी का बड़ा है ये, छोटा वाला लड़का मेरा घर है 8 महीने का। 8 महीने से इन्होंने मुझे ना खर्चा दिया है ना बेटी। इन लोगों ने गला घोट के मारी थी अस्पताल में, वो मेरे सामने अच्छी हुई थी पैदा। आप क्या चाह रही हैं आप? मैं बस ये चाह रही हूँ इन सब की गिरफ्तारी हो। मेरी नंद गुलफ्सा, मेरी नंद चमन और मेरी देवरानी गुड़िया जिससे मेरा आदमी लगा हुआ है, उसी को खर्चा पानी देता, उसके बच्चों को समझता, हमें मुड़के तक नहीं देखता है। दहेज की मांग करते हैं? हाँ, दहेज की मांग करते हैं। मेरा सब दहेज बेच के खा गए, मेरे पास दहेज की लिस्ट है, मेरी मान सम्मान से शादी हुई। क्या मांग रहे हैं? दहेज में मांग रहे हैं AC हम लोगों ने नहीं दी थी, ना ही LCT दी थी, ना ही गाड़ी दी थी। हमने घरेलू सामान दिया था जो इस्तेमाल करने का था, पर उन्होंने सब बेच के खा लिया। और कल मेरे पास सुनार का फोन आया था, जो मेरी माँ ने गरीबी में जो भी हुआ माल वो दिया था, सोने चांदी का, वो इन्होंने सब बेच दिया। तो आपका मुकदमा भी दर्ज हो चुका है जैसे? हाँ, मुकदमा मैंने डाला, उससे कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई, चक्कर में मुझे मजबूरी में मीडिया का सहारा लेना पड़ा। और मेरी बस यही मोदी जी से और योगी जी से प्रार्थना है कि मेरी परेशानी, तलाक की धमकी दे रहे हैं क्या? हाँ, छोड़ने की धमकी देते हैं, हर बात बात पे उसका नाम भी ले देते हैं, डिवोर्स का। तो मैं फोन काट देती हूँ, मैं सुनती नहीं हूँ।